Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most gracious and benevolent. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous lecture, we discussed about the present indefinite tense. And today onwards, we are going to talk about present continuous tense. So, you know very well that I have already told you that what is tense. I have already told you that the word tense is derived from the Latin word tempus, which means time. And I have already told you that time has three types, past, future and present. But the present tense and present indefinite tense is also subcategorized into different types like the present continuous tense. प्रेजेंट टेंस जो है वो सब कैटेगराइज किया गया है मतलब कुछ टेंसों में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज अ वर्ब विच टेल्स दैट सम वर्क परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट ऐसा वर्ब जो हमें बताए कि सब्जेक्ट ने अपना काम परफॉर्म किया है is still a verb which tells that work performed by subject जो subject ने काम perform किया है is still going on जो अब तक चल रहा है on in current time जो current time में अब तक चल रहा है is called present continuous tense ऐसा verb जो हमें बताए कि subject ने जो अपना काम complete किया है वो अब तक चल रहा है current time में चल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे present continuous tense the main points are supposed to be remembered जो मेन पॉइंट्स हमारी होती हैं जो रिमेंबर करने के लिए होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट इज एम आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बट वी एड इंग विद द मेन वर्ब फॉर एग्जांपल मेन वर्ब हमारा जो भी होगा उसके साथ हम क्या करेंगे एड इंग दूसरी पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर एंड मेन वर्ब के साथ हमारा जो मेन वर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इंग ऐड करेंगे जैसे हमारा प्ले एक एम वी मतलब मेन वर्ब ठीक है बेटा प्ले प्ले इज़ अ मेन वर्ब उसके साथ हम इंग लगाएंगे प्लेइंग ये पॉइंट्स हैं याद करने के लिए उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे हम कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग द कंस्ट्रक्शन इट्स वेरी ईजी टू मेक द सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी एड द सब्जेक्ट्स लाइक अली इज़ अ सब्जेक्ट Then you will put the helping verb according to the subject verb agreement because subject must agree with the verb. Subject must agree with the verb and helping verb must agree with the subject. Like Ali is a subject, so this is a singular, so you will add the helping verb according to the subject. You will add the is and then you are putting towards the मेन वर्ब उसके बाद आप क्या पुट करेंगे मेन वर्ब जैसे मेन वर्ब के पहले मतलब पहले फॉर्म के साथ हम इंग ऐड करते हैं तो प्लेइंग हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट ये क्रिकेट हो गया अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट सो दिस इज़ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस तरीके से हमारे निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेंगे लाइक अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट इफ़ यू आर मेकिंग दिस सेंटेंस निगेटिव देन यू विल पुट दी not in the sentence after helping verb like Ali is not playing cricket is Ali playing cricket and is Ali not playing cricket interrogative interrogative negative and these are all these subjects or you can say that I first person he she it he she it that third person and you मतलब जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये करेक्ट कहाँ पे आते हैं ये मैंने इसलिए आपको मतलब अंडरस्टैंड के लिए लिखे हैं कि जिससे आपको मतलब कोई डिफ़िकल्टी ना हो समझने में तो ये आपका एक तो प्रैक्टिस भी होगी इस सेंटेंसेस की और ये फेयर काम भी होगा बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो आपने फेयर किया हुआ है इस तरीके से करेंगे ठीक है बेटा तो आप ये कंप्लीट जो फेयर वर्क है वो मतलब आप फिर अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन लगा कर फेयर करेंगे और फिर इनके एग्जांपल्स में आप कोई भी 10 सेंटेंसेस बनाएंगे बट विद द डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक एक आपने सेंटेंस बना दिया आई से दूसरा आपने वी से बना दिया थर्ड ही से बना दिया फोर्थ शी से बना दिया तो 10 जो एग्जांपल्स होंगे सेंटेंसेस के 10 सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के वो रफ़ कॉपी पे बनाकर फिर आप मुझे होमवर्क सेंड करेंगे बाकी ये जो पेज पे मैंने काम किया हुआ है ये आपको फेयर करना है अच्छे तरीके से ग्रामर पोर्शन में मार्जिन लाइन लगाकर ठीक है बेटा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर